तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ द टुमारो वॉर, जो मूवी आई है अमेजोन प्राइम पर, उसके बारे में। इस मूवी का जो बेस्ट सीन है वो जब भविष्य में इंटर करते हैं, तभी मतलब जो जो टाइम जंप है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बेस्ट सीन। और आखिर में जब जो क्रिस प्रैथ है उसकी बेटी का जो सीन आता है वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो स्टोरी की शुरुआत कैसी है इसमें, तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल सी दिखाई है, 2022 से शुरुआत दिखाई है, नॉर्मल डे। और जब वो घर में आता है क्रिस प्रैथ, तभी एक मतलब वहाँ पे पार्टी चल रही होती है उनके घर पे, और उसमें मतलब अभी मैच चल रहा रहता है, फुटबॉल मैच। तो उसी में वो जो ग्राउंड रहता है उसमें आते हैं वो भविष्य से, जो भविष्य में जो एलियंस ने तबाही मचाई है वो मदद मांगने के लिए यहाँ आते हैं 2022 में, 2051 से। स्टोरी तो बहुत खास, मतलब बहुत ही जबरदस्त है। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगेगी आप देखेंगे तो। अगर ये मूवी थिएटर में रिलीज होती तो मैं जाता कि नहीं, मैं जरूर जाता दोस्तों, क्योंकि इस मूवी को थिएटर में नहीं देखा तो कुछ देखा ही नहीं। मतलब क्योंकि इसमें जो VFX लेवल है और जो दिखाए है उन्होंने एक एक सीन, वो बहुत अच्छे लगे मुझे, क्योंकि वो सीन थिएटर में ही मज़ा आते थे देखने में। तो ज़रूर मुझे अगर ये फिल्म थिएटर में देखने के लिए मिलती तो मैं ज़रूर जाता। इस मूवी का माइनस पॉइंट क्या है तो मैं देखूंगी। आप तो आपको मतलब मोबाइल में तो मज़ा नहीं आएगा जितना बड़े स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि बड़े स्क्रीन का मज़ा जो आता है वो अलग ही रहता है, आप देखे ही होंगे। क्योंकि ये मूवी जब आती थिएटर में, ये कोरोना नहीं रहता तो बहुत ही मज़ा आता था। और ये मूवी मुझे लगता है कि 4DX में भी मतलब आ जाती थी, ऐसा लगता मुझे। क्योंकि देखोगे आप एक एक सीन इसमें बहुत ही अच्छे है, और जो लेवल है उनका VFX का वो मज़ा इन 200 सच में। क्रिस प्रैट की जो एक्टिंग है इसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई गई है, मतलब लीड रोल ही दिखाया है उनका। और उनका इस मूवी में जो रोल है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब ये जो रोल दिया है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है उन्होंने। तो इस मूवी के लिए रेटिंग रहेगी मेरी आउट ऑफ 5 में से 4 स्टार, क्योंकि आप जब देखोगे तो आपको भी पता चलेगा, क्योंकि मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई है। अगर ये थिएटर में लगती तो मुझे बहुत अच्छा होता था, क्योंकि देखने में टाइम पास के लिए देखना है तो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है। और अगर इसको आप अभी तक आपने देखा नहीं तो जाके आप देखिए अमेजोन प्राइम पर, वहाँ पे आपको ये मिलेगी। ये मूवी का मतलब सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये मूवी आपको देखने के मिल सकती है। बहुत 5 लैंग्वेज में ये रिलीज़ कर दी गई है, और एक लैंग्वेज में रिलीज़ होती तो अच्छा लगता, मराठी में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप हमारी पसंद आई आपको तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारा रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, और एक नए वीडियो में और रिव्यू के साथ।